नमस्कार बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा। और इसी के साथ बुलेटिन का करते हैं आगाज और नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अब वाहन मालिकों का खैर नहीं, बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाने पर कट जाएगा चलान, तैयारियों में जुटा पुलिस विभाग। इस बार पितृपक्ष में गया जा रहे हैं तो खुशकिस्मत है आप, तीर्थयात्रियों को उपहार में मिलेगा गंगा जल, जिला प्रशासन कर रहा तैयारी। बिहार से बंगाल या उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन, 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी ये ट्रेन। जमीन सर्वे पर विभाग का बड़ा बयान, सचिव जय सिंह ने लोगों से की अपील, कहा कागजात नहीं है तो घबराए नहीं। और रोहित ने पीयूष चावला को क्यों किया मैसेज, जानिए रोहित के साथी खिलाड़ी ने कैसे खोला बड़ा राज, दिग्गज बॉलर ने किया चौंकाने वाला खुलासा। अब खबरें विस्तार से। बिहार में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर अब सख्ती की जाएगी, शहरी क्षेत्रों में बिना बीमा वाले वाहनों के खिलाफ ऑनलाइन चालान काटने की व्यवस्था जल्द ही लागू की जाएगी। इस कदम के तहत ई डिटेक्शन पोर्टल के माध्यम से बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। अभी ये व्यवस्था राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू है, जहां ई डिटेक्शन के जरिए बिना परमिट और इंश्योरेंस वाले वाहनों का ऑटोमेटिक चालान कट रहा है। ADG ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने बीते दिन इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पटना के अटल पथ समेत प्रमुख सड़कों पर बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले पितृपक्ष मेले में तीर्थयात्रियों को एक विशेष तोहफा मिलने वाला है। अगर आप इस बार गया जी जा रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं। जिला प्रशासन द्वारा सभी श्रद्धालुओं को इस बार गंगा जल भेंट किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मेले की तैयारी के संबंध में दिए गए निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है। मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के महाप्रबंधक ज्ञान शंकर ने बताया कि जल संसाधन विभाग द्वारा मानपुर खदान में बनाए गए गंगा जल स्टोरेज पॉइंट से टैंकरों के माध्यम से गंगा जल को जल सुविधा डेयरी तक लाया जाएगा। इसके बाद गंगा जल की पैकेजिंग की जाएगी और इसे तीर्थयात्रियों के बीच वितरण के लिए जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। DM डॉक्टर त्याग राजन ने प्रतिदिन 10,000 पैकेट गंगा जल की पैकेजिंग करने का निर्देश दिया है। पूर्व DGP SK सिंघल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने उनकी लापरवाही और नियमों की अनदेखी के आरोपों को सही ठहराया है। इस मामले की जांच में ये पता चला है कि सिंघल, जो केंद्रीय चयन परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया, जिसके कारण सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ है। विशेष जाँच दल ने इस मामले में महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी निकाले हैं, लेकिन ये भी स्पष्ट किया है कि सिंघल के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि उनकी लापरवाही के कारण परीक्षा की गोपनीयता और मानकों की अनदेखी की गई, जिससे पेपर लीक हुआ। EOU के ADG ने राज्य के मौजूदा DGP को इस मामले में अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की है। बिहार पुलिस ने हाल ही में 7 वांछित अपराधियों के खिलाफ इनाम की घोषणा की है। इसमें 2 माओवादी भी शामिल हैं। इन अपराधियों में पटना के कुख्यात मोहम्मद चांद और 10 मामलों में फरार करमबीर कुमार उर्फ धर्मवीर शामिल हैं, जिन पर 2-2 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इसके साथ ही गया जिले के पुलिस के 2 फरार नक्सलियों कमलेश रवानी और अनिल यादव की पुलिस जो है तलाश कर रही है। इनके गिरफ्तारी में सहयोग देने पर 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। गृह विभाग के बयान के अनुसार अन्य दुर्दांत अपराधियों में बजरंगी यादव, मोहम्मद साहिल और रजा शाह शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। STF के अपर महानिदेशक अमृत राज ने बताया कि इन 7 अपराधियों की जानकारी देने वाले या इन्हें गिरफ्तार करने वाले को इनाम की राशि प्रदान की जाएगी। बिहार में 20 अगस्त से शुरू हुए जमीन सर्वे को लेकर लोगों के बीच बढ़ती चिंताओं और समस्याओं के बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। विभाग के सचिव जय सिंह ने हाल ही में कहा कि जो लोग इस सर्वे के बारे में भ्रम फैला रहे हैं, उनके निजी हित हो सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे लोग जमीन के रिकॉर्ड को स्पष्ट रखना चाहते हैं, ताकि वे विवाद का लाभ उठा सकें।
जयसिंह ने आम जनता से अपील की कि वे इन भ्रामक सूचनाओं से प्रभावित ना हो। सरकार का ये कदम जमीन मालिकों के हित में है और इसका उद्देश्य जमीन के रिकॉर्ड को स्पष्ट और व्यवस्थित करना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सर्वेक्षण प्रक्रिया में वे बढ़ चढ़ कर भाग लें। दुर्गा पूजा के खास मौके पर भारतीय रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रेलवे द्वारा घोषित इस नए ट्रेन का नाम सियालदह गोरखपुर स्पेशल है, जो 5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। ये ट्रेन सप्ताह में सोमवार और शनिवार को चलाई जाएगी। ये ट्रेन शाम 6:15 पर सियालदह से रवाना होगी और बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, जसीडीह, झाझा, किऊल होते हुए अगली सुबह 3:55 पर पटना पहुंचेगी। पटना से ट्रेन छपरा, सिवान और देवरी होते हुए गोरखपुर जाएगी और सुबह 10:10 पर गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन जो है गोरखपुर सियालदह स्पेशल 6 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक चलेगी। ये ट्रेन सप्ताह में बुधवार और शुक्रवार को चलाई जाएगी। गोरखपुर से सुबह 11:30 पर चलकर शाम 8:05 पर पटना पहुंचेगी और फिर किऊल, झाझा, जसीडीह, आसनसोल होते हुए अगले सुबह 6:25 पर सियालदह पहुंचेगी। इस ट्रेन में 16 स्लीपर कोच और 2 SLR कोच के साथ कुल 18 कोच होंगे। बिहार के छपरा जिले से एक अनोखी घटना सामने आई है, जिसने सभी को चौंका दिया है। भगवान बाजार थाना क्षेत्र के दौलतगंज रतनपुरा मोहल्ले में स्थित बाबा बटुकेश्वर नाथ मंदिर में एक चोर ने भगवान शिव के गले से तांबे का नाग चुरा लिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चोरी के बाद उसने न सिर्फ शिवलिंग की पूजा की, बल्कि हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफी भी मांगी है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इस पर खूब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। 15 सितंबर से भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस की खास बात यह है कि ये ट्रेन जो है प्राकृतिक सौंदर्य के अद्भुत दृश्य प्रदान करेगी। यात्री इस सफर के दौरान नदियों, पहाड़ों और धार्मिक स्थलों के नज़ारों का आनंद ले सकेंगे। ट्रेन की विशेष बनावट, आरामदायक सीटिंग अरेंजमेंट और बेहतरीन खान पान की सुविधाओं के साथ इसमें यात्रा करना आनंद से भरा होगा। इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। हावड़ा से ट्रेन सुबह 7:45 पर रवाना होगी और भागलपुर जंक्शन तक की यात्रा महज आप 6 घंटे में पूरा कर पाएंगे। वापसी में ये ट्रेन भागलपुर से दोपहर 3:20 पर चलेगी और रात 9:20 पर हावड़ा पहुँचेगी। बिहार में चल रहे भूमि विशेष सर्वेक्षण ने जहां ग्रामीणों में नई उम्मीद जगा दी है, वहीं इस प्रक्रिया पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। पहले प्रशांत किशोर ने इस सर्वेक्षण के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। अब पटना हाई कोर्ट के वकीलों ने भी इस प्रक्रिया को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई है और सरकार से इसे रोकने की मांग कर दी। पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील कृष्णा प्रसाद सिंह और योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि इस सर्वेक्षण के नाम पर लोगों को आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जमीन मालिकों से कागजात मांगे जा रहे हैं, जबकि सरकार के पास ही भूमि के कागजात नहीं है। बिहार के छपरा से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी के दिल को झकझोर के रख दिया है। बता दें कि ये घटना जो है दाऊदपुर थाना क्षेत्र के कोहड़ा गांव में बीते दिन का है, जहां एक 2 वर्षीय बच्ची को सियार ने निवाला बना लिया। बच्ची का शव आज छत वछत अवस्था में पास के खेत से बरामद किया गया है। बता दें कि कोहड़ा गाँव निवासी रंगलाल बांसपुर की पुत्री काजल देवी की 2 साल की बेटी पीहू को सियार ने निवाला बना लिया है। घटना के बाद पूरे गाँव में हड़कंप मचा हुआ है, परिजनों में मातम का माहौल है। इस दुखद घटना ने पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों को गहरा झटका दिया है। प्रशासन की ओर से इस मामले की जांच की जा रही है और ग्रामीणों को सियारों के आतंक से बचाने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार में जल्द ही रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। संजय झा ने बताया कि उन्होंने रेल मंत्री से उत्तर बिहार में रेल नेटवर्क का विस्तार, ट्रेनों की संख्या में वृद्धि और यात्री सुविधाओं के सुधार के लिए आग्रह किया।
इनमें प्रमुख मांगे हैं जयनगर दरभंगा रेलखंड का दोहरीकरण, ट्रेन संख्या 12141 का दरभंगा होते हुए जयनगर तक विस्तार और सकरी जंक्शन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कार्य का अग्रिम समापन। संजय झा ने कहा कि रेल मंत्री ने इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। आरजेडी ने 15 सितंबर को पटना में राजभवन मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि राज्य में हत्या, लूट, मॉब लिंचिंग और महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और प्रशासन इन मामलों पर मौन है। बता दें कि बीते दिन आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में एक बैठक हुई इस मार्च की तैयारियों को लेकर। इस बैठक में चर्चा की गई और इस मार्च की शुरुआत पटना स्थित आरजेडी दफ्तर से होगी और ये राजभवन तक निकाली जाएगी। पप्पू यादव ने बीते दिन मीडिया से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल जीतन राम मांझी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से राहुल गांधी के बयान को देशद्रोही बताया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। अब इस पर पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि जीतन राम मांझी हमारे बुजुर्ग हैं और वे इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। हालांकि पप्पू यादव ने राहुल गांधी के बयान को सही ठहराया है। उनका कहना है कि राजनीति अपरिपक्वता से नहीं चलती और चुनावी प्रक्रिया को टालना उचित नहीं है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। हालांकि जमानत के साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अदालत का कहना है कि चूंकि चार्जशीट दायर हो चुकी है और ट्रायल निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। बेल मिलने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। और भारतीय क्रिकेट के दिग्गज स्पिनर पीयूष चावला ने रोहित शर्मा के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक पॉडकास्ट में पीयूष चावला ने यह बताया कि कैसे एक रात को 2:30 बजे रोहित शर्मा ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और उनके साथ डेविड वार्नर को आउट करने की रणनीति पर चर्चा की। चावला ने रोहित की कप्तानी की सराहना करते हुए कहा कि रोहित के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस के लिए खेलना एक अद्वितीय अनुभव रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे रोहित शर्मा अपने बल्लेबाजी के माध्यम से टीम के लिए एक आदर्श टोन सेट करते हैं जो आगामी बल्लेबाजों के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं गुड़िया कुमारी मौर्या, छोटू राजा, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, ओमकार सिंह, विनोद महात्मा, सादुल्लाह पलवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, संघर्ष कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मुन्ना प्रसाद। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, क्या आपके पास कोई बड़ा सपना या लक्ष्य है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप बिहारी न्यूज़ देखते रहिए और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।